हम जा रहे हैं ना सेपी। हम ये देखिए सामने शंभू लेके आ रहा है जी को। क्या लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि हम लोग एक गांव में खो गए थे, इस बार भगवान जाने कहाँ ले जाएगी हम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है 30th of December, मतलब सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर हमारा ये 2022 ईयर जो है वो खत्म होने वाला है। सो आज हम लोगों का थोड़ा कुछ प्लान्स है, क्योंकि अभी हॉलीडेज का वो टाइम चल रहा है वैसे भी, एंड दीदी वगैरह सबकी छुट्टी है, अभिनीत दादी वगैरह सबकी। सो हम लोगों ने सोचा कि जब ईयर एंडिंग होने वाला है सो कुछ प्लान्स करते हैं, थोड़ा बहुत घूमने फिरने चलते हैं कहीं पे। तो वो सारे प्लान्स जो है वो इवनिंग में है। अभी मैं फटाफट से जा रही हूँ अभिलाष के लिए चाय बनाने, साथ ही साथ मैंने ना आज अर्बन कंपनी से बुक किया हुआ है, वो बेसिकली पेडिक्योर एंड हैंड मसाज के लिए आने वाली है, तो उनका स्लॉट है 11:30 का। उससे पहले मैं फटाफट से चाय बना के अभिलाष को दे देती हूँ, एंड देन तब तक टाइम भी हो जाएगा एंड वो आ भी जाएगी। सो चलो दिन को करते हैं स्टार्ट। आगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि क्या प्लान्स है क्या नहीं, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। So yes, without getting any further ado, let's get started. बन गई अभी अभिलाष के लिए लेमन टी। अब चलो फटाफट से जाके उसको देती हूँ एंड थोड़ी देर बैठती हूँ, तब तक अर्बन कंपनी से आ जाएंगे। तो गाइस, इतनी देर से जो मैं वेट कर रही थी अर्बन कंपनी से कोई आएगा, मैंने जो आप लोगों कहा था लास्ट में, सो वो नहीं आया। 11:30 का स्लॉट था लेकिन 11:30 हो गया, 12:00 हो गया, उसके बाद पता चला कि जो ब्यूटिशियन है वो नहीं आ रही है, उसके बाद फिर मुझे रिस्केड्यूल करना पड़ा। एंड अब जो टाइमिंग दिया है उन्होंने वो है 3 बजे का। सो लेट्स सी 3 बजे आते हैं कि नहीं आते। अभी 2 बज चुके हैं, सो अब फटाफट से हम लोग लंच कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग कब आएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कि आज मुझे हेयर वॉश करना है, एंड जब तक ऑयलिंग नहीं होता, ऑयलिंग के बाद मैं एटलीस्ट 1 आवर उसको रखना चाहती हूँ, देन मैं हेयर वॉश करूँगी। सो देखते कब आते हैं कब नहीं, बट तब तक लंच कर लेते हैं, अदरवाइज वो आ जाएंगे फिर लंच भी नहीं कर पाऊँगी मैं। सो अभी चलो फटाफट से लंच गर्म करते हैं, एंड लंच में आज बना है आलू तिल। जैसे आलू पोस्त होता है वैसे आलू तिल होता है। ये मुझे भी पहले नहीं पता था कि आलू तिल करके भी कोई डिश होती है, लेकिन मतलब मेरे ससुराल में ये डिश बहुत फेमस है एंड ये लोग बहुत पसंद करते हैं आलू तिल को। सो आज दाल आलू तिल एंड चावल है। सो फटाफट से गर्म करते हैं एंड देन हम लोग लंच कर लेते हैं। तो फाइनली अर्बन कंपनी से ये आ गई है 3 बजे। सबसे पहले मैंने इनको बोला कि मेरा हेड ऑयलिंग कर दो, देन बाकी पेडिक्योर करना। सो ये अपना पेडिक्योर का पूरा सेटअप तैयार कर रही है यहाँ पे। यहाँ पे मेरा हेड मसाज तो पहले ही हो गया था, अब मेरा पेडिक्योर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस थोड़ी देर में होने वाला है। एंड 5 बजने पर अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी है। सो मैं कब हेड वॉश करूँगी एंड कब मैं जाऊँगी पता नहीं, सबसे लेट मैं ही होने वाली हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है। एनीवेज पेडिक्योर भी ऑलमोस्ट डन है, अभी पैक लगा रखा है, बस इसको वॉश कर लेंगे देन हो जाएगा। तो हो गया मेरा पेडिक्योर एंड हेड मसाज, अब मैं थोड़ी देर वेट करूँगी नेल पेंट सूख जाए, उसके बाद जाऊँगी नहाने। एंड अभी टाइम क्या हो रहा है, 5:30 होने वाला है। सोचो मैं शाम को नहाऊंगी इतनी ठंडी में, आज सुबह से धूप भी नहीं निकली है बिल्कुल भी। सो एनीवेज अभी पहले नहाते हैं फिर रेडी होते हैं, क्योंकि इन लोगों का प्लान भी चेंज हो गया। सुनो इधर आओ 2 मिनट के लिए, अभी इससे पूछती हूँ। इन लोगों ने पहले मुझे कहा था कि 8 बजे निकलेंगे, कितने बजे निकल रहे हैं हम लोग? 6:30 तो ये चीज जब मैं तब तुमसे पूछ रही थी, इधर सही से जब मैं तुमसे पूछ रही, तुमने 8 क्यों बोला मुझे? मेरा मन, और अब मैं रेडी नहीं हो पाऊंगी फिर। तुम रहना घर पे, सही से बताओ कितने बजे हम लोग जा रहे हैं? हम लोग 6:30 तक निकल जाएंगे। और मैं कब नहाऊंगी, अब कब रेडी होंगी समझ में नहीं आता। जल्दी जाओ नहाओ, बहुत गंदा है। तो अब हम सब लोग रेडी हो गए, मेरे बाल गीले हैं सो ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। सब लोग रेडी हो चुके हैं, मोमिता शंभू सब लोग रेडी हो चुके हैं, अभिलाष नीचे जा चुका है ऑलरेडी। सो हम फटाफट से चलते हैं, अनपिरिता देखो हमें उनके घर से पिक करना है। सो हम लोग बाहर आके खड़े हैं, गाड़ी निकाल रहा है अभिलाष, बस थोड़ी देर में हम लोग जाने वाले हैं। फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं, पता नहीं कब मूर्थल पहुंचेंगे। लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि हम लोग एक गांव में खो गए थे, इस बार भगवान जाने कहाँ ले जाएगी हमें।
काफी देर से विनीता दी के लिए वेट कर रहे हैं। ये देखिए सामने शंभू लेके आ रहा है, देखो यहाँ पे। तो गाइस दी बैठ चुकी है कार में एंड हम लोग अब मज़े से जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, क्योंकि ना मूर्थल हमारे घर से लगभग 60 किलोमीटर अप्रॉक्स की ड्राइव पड़ जाती है। तो जब भी हम मूर्थल जाते हैं तो एक काइंड ऑफ हमारा बहुत अच्छा खासा लॉन्ग ड्राइव हो जाता है। एंड ये जो हाईवे आप देख रहे हो ये है दिल्ली करनाल हाईवे, मतलब आपको अगर सोनीपत जाना है, चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली से कहीं भी जाना है, आपको इसी हाईवे के ऊपर से होके जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ढाबे लाइन वाइज लगे हुए हैं, अनलिमिटेड ढाबे हैं, मतलब ढाबों की कोई वो नहीं है। एंड सबसे खास बात इस जगह की मूर्थल की कि 24/7 सारे ढाबे ओपन रहते हैं। एंड यहाँ की ना वाइब भी अलग है, आप लोग जब इस रोड पे आओगे ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ हम लोग मूर्थल आ चुके हैं। चारों ओर लाइटिंग 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 एंड चारों ओर ढाबे, कुछ बहुत फेमस ढाबे, कुछ थीम वाले ढाबे, जैसे कि ये आप देख लीजिए हवाई अड्डा। आज हम लोगों का बेसिकली प्लान यहाँ पे आने का ही था हवाई अड्डा, लेकिन ऑल ऑफ द सडन इन लोगों का प्लान चेंज हो गया एंड हम लोग फाइनली अभी जा रहे हैं धर्मेंद्र जी के ढाबे में जो कि है गरम धर्म। सो पिछली बार भी हम लोग आए थे अगर आप लोगों को याद होगा तो, मैं अभिलाष उस टाइम पे आए थे, बट इस टाइम पे सारी ग्रुप जा रही है। यहाँ पे अमरिक सुखदेव है, बहुत ही फेमस ढाबा, एंड बहुत सारे ढाबे आप लोगों को यहाँ पे बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे इस वाले रोड पे आते ही। एंड पता है कहने के लिए ये सब ढाबे हैं लेकिन एक्चुअली में ये लोग अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट को फेल कर देंगे, ऐसे ढाबे इनका नाम ढाबा है। मतलब जिन लोगों को पता नहीं है ना यहाँ के बारे में उनको लगेगा कि क्या ही होगा अंदर, लेकिन ऑनेस्टली बहुत ही अच्छे अच्छे एम्बियंस है, बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट टाइप का है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं धर्म जी के अपने ढाबे में जो कि है गरम धर्म ढाबा, और वो हमेशा गरम ही रहता है ऐसा दी बोल रही है। यहाँ पे देखते हैं होपफुली पार्किंग मिल जाएगी। देखो यार फोटो स्टूल से अभी अम्मी फोटो स्टूल दे जाए वो खंडा है दारी है देखो ढोल बज रहा है। पहुंच गए हैं हम गरम धर्म में, एक बार देखे जाओ तो सब मिले पर एटा ही नहीं हमें ना तो यहाँ पे ना ऑलवेज एंट्री आपकी जो स्वागत है ना वो ढोल के साथ होती है। सो यहाँ पे एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे चल रहा है हम लोगों का फोटो सेशन, अभी थोड़ी बहुत फोटो सेशन हो जाए उसके बाद अंदर जाएंगे। फाइनली अब अंदर जा रहे हैं हम लोग, चलो। तो यहाँ पे ना एंटर होने के साथ साथ ही ना बहुत कलरफुल सी वाइब आती है, चारों ओर बॉलीवुड के पोस्टर्स। सो अगर आप बॉलीवुड के दीवाने हो डेफिनेटली आपको ये जो ढाबा है वो बहुत अच्छा लगने वाला है। चारों ओर दीवारों में देख रहे हो आप लोग कितने अच्छे अच्छे धर्मेंद्र जी के फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ कोटेशंस भी बहुत अच्छी अच्छी है। यहाँ पे प्रॉप्स भी है जैसे कि ट्रक हो गया, बाइक हो गया, यहाँ पे आप फोटो सेशन कर सकते हो, अच्छे अच्छे बहुत कलरफुल वाइब है पूरे रेस्टोरेंट की। एंड यहाँ पे हमेशा भीड़ रहता है, आप किसी भी टाइम चले जाओ, हम लोग तो 30 दिसंबर को आए हुए हैं यहाँ पे। सो बहुत भीड़ है आज भी यहाँ पे एंड हम लोग बस अभी सिटिंग प्लेस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे बैठे। सो बस वही हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कहाँ पे बैठे कहाँ पे नहीं। बट इस रेस्टोरेंट पे आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही मिलेगा, आपको नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। यहाँ पे मोमिता एंड ये हम सब बेसिकली डिसाइड कर रहे हैं क्या खाना है इस ऑर्डर के लिए। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग गरम धर्म इससे पहले भी आए हुए हैं एंड हाँ यहाँ का फूड बहुत ही अच्छा था। लेट्स सी अभी इस बार का फूड कैसा होता है। सबसे पहले आप मुझे बताइए पानी की बॉटल का रेट क्या है। के मारे हम सबकी हालत ख़राब हो रही है, स्पेशली शंभू की, लेकिन खाना नहीं आया अभी तक। उन्होंने बोला 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स तो हो गया है ना शायद, जब से वो ऑर्डर लेके गया तब से। फाइनली हम लोगों का खाना आ गया है। वही बोल दो फिर एक अरे सीता वाला प्याज है, एक प्लेन प्याज है, नींबू और जोर से बोलो भैया।
तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है दाल मखनी, पनीर लबाबदार एंड गार्लिक नान एंड बटर पनीर मसाला हमने बाद में ऑर्डर किया था जब हमें ज़रूरत लगा था, एंड प्याज एंड वगैरह तो ये लोग ऑलरेडी देते ही है, अब चाहे कुछ भी लो। यहाँ पे शंभू को बहुत गंदी भूख लगी हुई थी, उसको इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो लिटरली खाना लेके खुद ही सर्व करने लग गया था, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी ना, तो वो कह रहा था कि तुम बाद में करना, मैं पहले अपना खाना ले लूँ। सो वो अपना खाना ले रहा था, उसके बाद हम सब ने खाना लिया। और यहाँ पे इतनी प्यारे प्यारे सॉन्ग्स चलते हैं, बॉलीवुड 60s के सॉन्ग्स चलते हैं, लेकिन पता नहीं 30th को जिस दिन हम गए थे उस दिन वो गाने नहीं चल रहे थे। उस दिन बॉलीवुड गाने तो चल रहे हैं लेकिन वो वाले गाने 60s के धर्मेंद्र जी वाले गाने नहीं चल रहे थे। बट एनीवेज आप लोग इन्जॉय करोगे अगर आप लोग फैमिली के साथ यहाँ पे आने का प्लान करते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो, यहाँ का फूड बहुत ऑसम है, डेफिनेटली एक बार आके ट्राई कर सकते हो। हम लोग का डिनर करना कंप्लीट हो चुका है एंड इसको क्या बोलते हैं, हम लोग नादू बोरा। हम लोग का डिनर करना कंप्लीट हो चुका है, हम लोग अभी करेंगे फोटो पिक्चर सेशन। हाँ फोटो सेशन करेंगे, यहाँ पे भी लंबी लाइन लगी हुई है, अभी भी लाइन लगी हुई है। एंड देन हम लोग शायद जाएंगे सीपी, जो कि अभिलाष नहीं जाना चाहता, जम्मू में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम फिर भी जाएंगे। अभी चलो आपको लाइन दिखाती हूँ मैं, बस ये बाइक के सामने इतने हम जा रहे हैं ना सीपी। हम जा रहे हैं ना, अरे आप ही से पूछ रही। अब बहुत देर से बाइक के सामने वेट करते करते हमारा नंबर नहीं आया इवेंचुअली, एंड लास्ट में हमने इस ट्रक के सामने थोड़ी बहुत पिक्स वगैरह क्लिक की, क्योंकि बाइक में ऑलवेज भीड़ रहता है, उनकी क्यू ही रहती है हमेशा लंबी सी। शॉप चल रहा है, ट्रक के ऊपर है घी मक्खन, खाना है सफेद चाट लीजिए। बाहर के नाच चल रही है डिस्प्यूट्स, लड़कियां बोल रही है फोटोज क्लिक करवाना है, एंड ये दोनों परेशान हो चुके हैं हम लोगों से कि हम लोग इतनी पिक्स क्लिक करवा रहे हैं, इतने पिक्स क्लिक करवा रहे हैं यहाँ पे। सो हम लोग बस कह रहे हैं एक पिक, एक लास्ट सेल्फी, एक लास्ट। यहाँ से अब हम लोग बहुत सारे मस्ती एंड बहुत सारा फन के बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, इसको टाटा बाय बाय करके, एंड हम लोग अभी जा रहे हैं कनॉट प्लेस। जा तो रहे बट हम लोग थोड़ा सा वो है, मतलब सोच रहे हैं कि मतलब खुला होगा या नहीं खुला होगा। बेसिकली विनीता दी का मन है पान खाने का, सो लेट्स सी हम लोगों को मिलता है या नहीं।
तो सीपी आके हम लोगों का बन गया पोपट, सब कुछ ढूंढ लिया बट कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए अब हम लोग निकल रहे हैं अपने अपने घर की ओर। देखो हम लोगों का प्लान था सीपी का, जैसे कि मैंने आपको लास्ट बताया था, ठीक है। सीपी हम लोग गए, वहां पे जाके जो दी को पान खाना था वो शॉप था बंद, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घर के सामने आए हैं, जो कॉफी पीते हैं उसी सेम कॉफी वाले से कॉफी पीने। एंड यस, यही है अभी तक का अपडेट। पता नहीं क्या करेंगे, अभी घर ही पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में वैसे तो। सो अभी पीते हैं कॉफी। आ गई है हम लोगों की हॉट हॉट कॉफी और सामने डॉगी। कुदर डॉगी, सामने डॉगी और यहाँ पे कॉफी। देखो सामने डॉगी, यहाँ पे कॉफी मिलते ऊपर। तो हम लोग पहुंच गए घर। है ना, अभी टाइम क्या हो रहा है? दो बज रहे हैं। हम लोग अभी घर पहुंचे हैं एंड बस आज 31st है, कल न्यू ईयर हो जाएगा, उसके बाद 2023 हो जाएगा। सनी में भी चलते हैं घर। क्या हो जाएगा? तो आ गए हम लोग घर पे एंड बहुत मजा आया आज गरम धरम में। सीपी जाने का प्लान था, सीपी गए भी, लेकिन वहाँ पे जो मेन पर्पज था पान खाने का वो नहीं हुआ क्योंकि शॉप बंद थी। आई थिंक कुछ नोटिस वगैरह आया है दिल्ली में कि 11 बजे के बाद सारे शॉप्स वगैरह सब बंद हो जाएंगे। सो एनीवेज हम लोग वहाँ से फिर कॉफी पिया हम लोगों ने एंड देन हम लोग घर पे आ चुके हैं। एंड यस, आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। एंड टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए एंड बाय।